राधे 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 कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2019 जिसका आज 18वां दिन है, यात्रा का मध्यस्थ है। आधी यात्रा ब्रज यात्रा पूर्ण हो चुकी है। 28 अक्टूबर अमावस्या अन्नकूट गोवर्धन पूजन के दिन आज हम लोग यहाँ सोमवार को
श्री वृंदावन की पुण्यमयी भूमि में हम लोग बैठे हुए हैं। आज यात्रा के क्रम में आप सभी ब्रजयात्रियों ने वृंदावन की आज परिक्रमा लीला स्थलियों का दर्शन किया। वृंदावन के प्रति जो आचार्यों के भाव हैं, वृंदावन जो रसिक जनों का धन स्वरूप कहा गया है, महापुरुषों का सर्वस्व श्री वृंदावन धाम है और यहाँ श्री कृष्ण काल से ही इस भूमि का जो स्वरूप था उस स्वरूप का आनंद रसिक महापुरुषों ने लिया है और वृंदावन के प्रति अनेक भाव महापुरुषों ने प्रकट किए हैं आचार्य चरणों ने। वृंदावनम सखी भवो वितनोति कीर्ति यद देवकी सुत पदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रिसान्व परतान्य समस्त सत्वम। थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए आए हुए हैं सब लोगों, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, जहाँ स्थान मिले बैठ जाए यथा स्थान। वृंदावन के प्रति जो भाव हैं महापुरुषों के वो दिव्य भाव हैं और वो केवल भाव ही नहीं, इस स्थान की महिमा, इस स्थान का जो वास्तविक स्वरूप है उसको इन महापुरुषों ने दर्शन किया है, उसका आस्वादन किया है। जो हम लोगों को ये साधारण धाम दिखता है, कहीं गंदगी है, कहीं कुछ है, कमियां दिखती हैं, वो धाम का दोष नहीं, वो हमारी दृष्टि का, वो हमारे भाव का दोष है। इसी धाम में महापुरुष जन रहे हैं, उनको दिव्य धाम का दर्शन हुआ। जिस समय श्री हरिदास महाराज की परंपरा में श्री मोहिनी शरण जी विराज रहे थे, अकबर का पुत्र शाहजहां, उसने एक बार अपने महल में देखा कि उसके बाबा अकबर की एक चित्र है जिसमें अकबर जो है एक फकीर के चरणों में गिरा हुआ है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा ऐसा फकीर जिसके चरणों में हमारे पुरखे गिरे हुए हैं, हमारे बाप दादा गिरे हुए हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, तो अवश्य ही कोई ख्याति प्राप्त हैं, कोई उच्च कोटि के संत होंगे। तो वहाँ शाहजहां ने कहा अपने सेवकों से, क्या ये संत आज भी वृंदावन में विराज रहे हैं, क्या उनका हमें दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो पता लगाया कि उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो नहीं विराजित थे, उनकी परंपरा में श्री मोहिनी शरण देवाचार्य जी विराजित थे गद्दी पर। तो चलो वो नहीं तो उनके शिष्य ही सही, उनकी परंपरा में ही सही। शाहजहां आया, वहाँ शाहजहां ने मोहिनी शरण जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वहाँ मोहिनी शरण देवाचार्य जी से यह प्रार्थना की है कि आप मुझे इस वृंदावन की कुछ सेवा करने के लिए आज्ञा दें। तो उन्होंने कहा, भैया यहाँ वृंदावन की हमारी तुम क्या सेवा करोगे। बोले, नहीं नहीं, फिर भी मेरे लायक कुछ सेवा बताएं, बड़ा आग्रह करने लगा शाहजहां। तो वहाँ अपने सेवक से श्री मोहिनी शरण देवाचार्य जी ने कहा, अच्छा ठीक है कि तुम इनको यमुना जी का एक घाट का कोना टूटा हुआ है उसकी मरम्मत करा दें।
शाहजहाँ कह रहा मैं पूरा बादशाह, पूरा हिंदुस्तान का मैं बादशाह, मेरे को इतना सा छोटा सा काम दिया, अरे मेरी सामर्थ्य नहीं जानते। तो मोहिनी शरण देवाचार्य जी के जो शिष्य थे समझ गए, इनके ऊपर कृपा करना चाहते हैं गुरुदेव, और अपने शिष्य को भेजा। और वहाँ जब गए हैं, शाहजहाँ जब गया है, तो वहाँ ऐसे दिव्य मणिमय जटित दिव्य वृंदावन धाम का, दिव्य घाट का दर्शन हुआ है कि उसको देखकर उसकी बुद्धि चकित हो गई, विस्मित हो गई, और दौड़ता हुआ आया, मोहिनी शरण देवाचार्य जी के चरणों में गिर गया। बोले प्रभो, यदि मैं अपनी पूरी सल्तनत भी बेच दूं, तो भी इस घाट के एक मणि को मैं नहीं खरीद सकता, ना मैं कहीं से ला सकता हूँ। इस दिव्य वृंदावन धाम का आपने दर्शन कराया, चरणों में आके गिर गया। तो इन आचार्यों ने, इन महापुरुषों ने, इन रसिक जनों ने ये वृंदावन धाम का दिव्य दर्शन किया है, और आज भी वही स्वरूप है, बस कमी है हमारी भावना में। भावना उतनी ही तीव्र हो, उसी कोटि की हो, तो आज भी वही दिव्य स्वरूप है। तो ये वृंदावन धाम के प्रति रसिक आचार्यों ने बड़े दिव्य दिव्य भाव दिए हैं। श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है, वृंदावनम सखी भवो वितनोति कीर्ति यद देव की सुत पदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविंद वेणु मनोमत मयूर नृत्यम प्रेक्षाद्रिसानव प्रतान्य समत्त सत्वम। ये वृंदावन धाम तो देखो हे सखी, संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी कीर्ति फैला रहा है, संपूर्ण पृथ्वी पर इसका सुंदर महिमा का गान हो रहा है, और वैकुंठ से भी अधिक इसकी महिमा है। और देखो, यह पृथ्वी तो है ही प्रभु की पत्नी, और वृंदावन है पृथ्वी का ललाट, ललाट स्वरूप है, सबसे मूर्धन्य है, उच्च कोटि का है। और ललाट की जो सौभाग्य रेखा है, वो है, ललाट की सौभाग्य रेखा होने पर स्त्री सौभाग्यवती होती है कि उसके ललाट पर रेखा हो। तो वैसे ही पृथ्वी पर वृंदावन, और वृंदावन में कृष्ण पृथ्वी के सौभाग्य का चिन्ह है। पर वृंदावन ने पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कैसे किया है, तो आचार्य चरण वर्णन करते हैं, यद देव की सुत पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, देव की सुत के चरणों से यह पृथ्वी अंकित हुई है, यानी श्री कृष्ण ब्रज में नंगे पैर घूमे हैं, उन नंगे पैरों से श्री ठाकुर जी की यह पृथ्वी यह ब्रजरज अंकित हुई है, सौभाग्यवती हुई है। और जहाँ जहाँ वे घूमते हैं, श्री ठाकुर जी जब घूमते हैं ब्रज में, वृंदावन में, तो वहाँ वहाँ लक्ष्मी जी जो हैं, लक्ष्मी जी अपनी जिह्वा फैला देती हैं। इसलिए जहाँ जहाँ श्री ठाकुर जी अपने चरण रखते हैं, वहाँ एकदम कोमल बालुका उत्पन्न हो जाती है कि कहीं श्री ठाकुर जी को कष्ट ना हो, क्योंकि लक्ष्मी जी आकर अपनी जिह्वा फैला देती हैं, लेट जाती हैं कि लाल जी के चरण लाल लाल हैं, बड़े कोमल हैं, पृथ्वी कठोर है, तो कहीं कृष्ण चरणों कठोर पृथ्वी पर ना पड़े। तो लक्ष्मी जी यहाँ अपने चरणों को फैला देती हैं, अपने जिह्वा को फैला देती हैं। और जिस दिन से इस ब्रज भूमि में श्री ठाकुर जी ने, इस वृंदावन की भूमि में जन्म लिया है, तब से यहाँ लक्ष्मी जी आ गई हैं। तो यह वृंदावन की जो शोभा है वो अपरिमित है। और यहाँ के तीन भाव श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहे हैं, वृंदावन की भूमि के बड़े सुंदर भाव हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद ग्रीत कीर्ति, वल्लभ प्रभु कहते हैं वृंदावन शब्द स्थल त्रय भावों का बोधक है। यहाँ तीन भाव लिए गए हैं, एक तो वृंदावन, दूसरा वन सुंदरी वन भी इसे कहते हैं, और तीसरा है ब्रज में स्थित जो गोपांगनाएं हैं उनका ये हृदय स्वरूप है वृंदावन। लेकिन इन तीनों स्वरूपों में श्री ठाकुर जी अपने चरण कैसे रखते हैं, उनके भाव भी तीन अलग अलग दिए हैं। जब श्री ठाकुर जी से वृंदावन की भूमि में आते हैं तो तीन प्रकार से चरण रखते हैं। स्वपाद पर रमणम, पहली बात तो वृंदावन को अपने चरणों से अंकित किया है, वृंदावन में अपने चरण रखे हैं। दूसरा वन सुंदरी वृंद, वन सुंदरी वन भी वृंदावन को कहा है। तो
तो वन सुंदरी वन में कैसे चरण रखे हैं? वन सुंदरी वृंदों के स्तन मंडल पर श्री ठाकुर जी ने चरण रखे हैं, तो ऐसे श्री ठाकुर जी ने यहाँ चरण रखे हैं। और तीसरा है गोपांगनाओं का हृदय, तो गोपांगनाओं के हृदय में कैसे प्रवेश किया है? तो अपने वेणुनाद के द्वारा ब्रज में स्थित गोपांगनाओं के हृदय में श्री ठाकुर जी ने अपने चरण अंकित किए हैं। वेणुवादन जब गोपांगनाओं के कर्ण कुहर में जाता है तो यानी साक्षात श्री ठाकुर जी प्रवेश करते हैं। तो ये बड़े तीन सुंदर भाव दिए हैं भैया। भगवान तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ धर्म की स्थापना के लिए जाते हैं, तो वृंदावन का धर्म क्या है? यहाँ कौन सा धर्म स्थापित किया? साधारण धर्म नहीं, जो महाराज मनु ने धर्म स्थापित किया वो धर्म नहीं। यहाँ धर्म स्थापना करने वाली है श्री ठाकुर जी की वेणु। यहाँ धर्म की स्थापना जो होती है श्री ठाकुर जी की वेणु से होती है। श्री भगवान ने कहा है ना गीता जी में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। बोले धर्म नहीं, यहाँ तो पुरुषार्थ पंचक स्थापित किया है। पांच चीजों को भगवान ने वृंदावन में स्थापित किया है, भक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रभु के चरण, श्री ठाकुर जी के जो चरण हैं वो भक्ति रूप हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया है, श्री ठाकुर जी के चरण ही भक्ति रूप हैं। और भक्ति और धर्म, धर्म क्या स्थापित किया श्री ठाकुर जी ने ब्रज में? धर्म है गौचारण, गौ सेवा की भावना ही धर्म के रूप में स्थापित की है श्री वृंदावन में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और दूसरा धर्म क्या? दूसरा धर्म है श्री जी के चरणों की सेवा, सेवा रूपी धर्म की स्थापना की है। स्वयं श्री ठाकुर जी भी, स्वयं श्री भगवान भी इस धर्म का स्थापन करते हैं ब्रज में, वृंदावन में। श्री श्रीभट्ट देवाचार्य जी का बड़ा सुंदर भाव है, चरण पलोटत मोहन। स्वयं श्री ठाकुर जी भी सेवा धर्म का निरूपण यहाँ किया करते हैं, और निरूपण ही नहीं स्वयं उसको निभाते हैं। स्वयं श्री राधा रानी के चरणों की सेवा वृंदावन में श्री ठाकुर जी करते हैं। तो सेवा रूपी धर्म की स्थापना, पुरुषार्थ पंचक में धर्म है तो सेवा रूपी धर्म की स्थापना श्री ठाकुर जी ने ब्रज में की है। चरण पलोटत मोहन प्यारी झूके, चरण पलोटत मोहन, चरण पलोटत मोहन प्यारी मुझे, चरण पलोटत
बहु ले ले नैन लगावत कबहु ले ले नैन लगावत। केवल ऐसी सेवा नहीं कर रहे ठाकुर जी दिखाने के लिए कि चरण दबा दिए कार्य पूरा हो गया, नहीं, श्री राधा रानी के चरणों को ले लेके कभी अपने दक्षिण नेत्र से लगाते हैं, कभी अपने वाम नेत्र से लगाते हैं। बार बार श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी के चरणों को अपने नेत्रों से लगाते हैं और कब हुक ले ले नैन लगावत कब हुक ले ले नैन लगावत अली धावत मनो गोहन हा अली धावत मनो गोहन। ऐसा लग रहा है जैसे श्री राधा रानी के गोरे गोरे चरण, गुलाबी गुलाबी चरण तो कमल है और कमल पर भौरा आके श्याम सुंदर रूपी भौरा आके उस पर बैठ गया है और उसको बार बार कभी नेत्रों से लगाते हैं, कभी उन चरणों को चूमते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। अली धावत मनो गोहन अली धावत मनो गोहन जय श्री भट्ट छबीली श्री राधे 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 होत जगे में छोहन प्यारी जुगे होत चरण पलोटत मोहन चरण पलोटत मोहन प्यारी चरण पलोटत चरण पलोटत चरण पलोटत जय श्री भट्ट छबीली श्री राधे होत जगेते छोहन। लेकिन ये सेवा कार्य भी श्री ठाकुर जी ऐसे नहीं है कि दिखावे के लिए कर रहे हों कि हमें लोग देख लें, नहीं। जब श्री राधा रानी शयन कर जाती हैं तब पीछे से आके श्री राधा रानी के चरणों को, श्री प्रिया जी के चरणों को दबाते हैं। तो ये सेवा रूपी धर्म की स्थापना श्री ठाकुर जी ने ब्रज में की है। वृंदावन वृंदावन नाम क्यों पड़ा इसका भी बड़ा सुंदर इतिहास है। क्यों इस वृंदावन की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि वृंद क्यों तरसते हैं, यहाँ तक कि बृहस्पति जी के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज ने भी ब्रज प्राप्ति की, वृंदावन की प्राप्ति की श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की है। आसाम हो चरण रेशु जशाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्तजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भजेर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्यात। यहाँ श्री उद्धव जी महाराज ने भी ब्रज में कुछ भी ऐसा नहीं कि किसी ऊंची जाति में नहीं। आसाम हो चरण रेशु जशाम हम श्याम वृंदावने वृंदावन में किमपि गुल्म लतौषधीनाम किसी ऊंची जाति में नहीं, किसी उच्च कुल में नहीं, कोई झाड़ ही श्री ठाकुर जी बना दें, कोई औषधि का पुष्प ही बना दें, कोई कंकड़ ही बना दें। क्यों? बोले उच्च कुल में क्यों नहीं, बोले इसलिए कि झाड़ पत्र पुष्प और कंकड़ कहीं मार्ग में पड़े होंगे तो गोपियां जब उस मार्ग से निकलेंगी तो गोपियों की प्रेम की हवा जब हमें लगेगी तो इस कृष्ण प्रेम की कुछ हमें भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस ब्रज रज का आश्रय लेने के लिए उच्च कुल में नहीं, बोले ऊंचे बड़े लोगों के पास ठाकुर जी नहीं जाते, धनिकों के पास ठाकुर जी नहीं जाते हैं। इसलिए उद्धव जी ने कि यहाँ का कुछ भी बना दिया जाए, गुल्म लतौषधीनाम। सृष्टिकर्ता नारायण भगवान के नाभि कमल से समुद्भूत ब्रह्मा जी ने भी इस ब्रज की याचना की है और शंकर जी तो साक्षात गोपी वेश धारण करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यह वृंदावन धाम जो है,
वृंदावन की भूमि जो है नित्य धाम से 84 कोस ब्रज भूमि प्रकट हुई है। ये ब्रज भूमि जिसमें गोवर्धन श्री यमुना जी इस धरातल पर श्री भगवान ने भेजा है। आज ब्रज को लोगों ने बहुत सीमित कर दिया है। वृहद गौतमीय तंत्र में वृंदावन का क्षेत्र 5 योजन यानी 20 कोस बताया है। पंच योजन मेवास्ति वनम में देह रूपकम, यानी स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं ये 20 कोस वृंदावन मेरा ही स्वरूप है। और यहाँ वृंदावन जो है इसको केवल तीर्थ रूप नहीं मानना चाहिए, ये साक्षात श्री ठाकुर जी का निज गृह है, निजी घर है। ऐसे श्री वृंदावन धाम को हम लोग प्रणाम करेंगे मानसिक रूप से, और वृंदावन का प्रणाम मंत्र वृंदा विपिन रम्याय नेत्र बंद करके उसी वृंदावन की भूमि का दर्शन करें। दिव्य चिन्मय भूमि जिसमें श्री ठाकुर जी ने विविध क्रीड़ाएं की हैं। वृंदा विपिन रम्याय भगवद्वाह सेवते भगवद्वाह सहेतवे परमालाद रूपाय वैष्णवाय नमो नमः यह पद्म पुराण में वृंदावन के प्रणाम का मंत्र है जिससे वृंदावन को प्रणाम किया गया। इसका अर्थ है ये तो श्री भगवान के परम वैष्णव हैं। वृंदावन जो हैं बड़े रमणीक वन हैं। भगवान के पृथ्वी में अवतार का कारण परम आह्लाद है। इन्हें केवल तीर्थ मान लेना या तीर्थ दृष्टि से देखना ही इनका अपमान है। तीर्थ दृष्टि से नहीं, साक्षात श्री ठाकुर जी का निज घर है। तीर्थ दृष्टि से देखा यानी श्री ठाकुर जी का साक्षात अपमान है, तीर्थ दृष्टि से ना देखें। और श्री धाम वृंदावन धाम अभिन्न है, श्री भगवान का ही स्वरूप है। धन्य है ये वृंदावन धाम जिसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री राधा रानी हैं, स्वयं श्री लाडली जी हैं। वृंदावन नाम होने के वैसे कई कारण हैं, क्यों वृंदावन नाम पड़ा इस भूमि का। इसका कारण है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार और अनेक ग्रंथों के अनुसार अनेक मत हैं कि वृंदावन नाम क्यों हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो मत है, सतयुग में जब स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए हैं, स्वयंभू मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र हुए श्री ध्रुव जी महाराज, और ध्रुव जी से नंद सावरणी हुए और नंद सावरणी के पुत्र हुए महाराज केदार। बड़े उदार यशस्वी धर्मात्मा राजर्षि हुए हैं राजा केदार। इनकी कन्या थी वृंदा, ये लक्ष्मी जी के ही अंश से उत्पन्न हुई, और महर्षि दुर्वासा जी ने उनको हरि मंत्र दिया है। हरि मंत्र की प्राप्ति दुर्वासा जी से हुई है, और 60,000 वर्षों तक इसी निर्जन वन में वृंदा देवी ने यही तप किया है 60,000 वर्षों तक। और उस दिव्य तप के प्रभाव से श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई हैं वृंदा देवी, और वहाँ राधा रानी के समान सौभाग्यशालिनी गोपी के रूप में वहाँ उनको प्राप्ति हुई है। वृंदा ने जहाँ तप किया यह वही स्थान है जहाँ दीर्घ काल तक वृंदा देवी की तपोभूमि रहने के कारण इसका नाम वृंदावन हुआ। दूसरा कारण है कि यहाँ राजा कुशध्वज की कन्या का नाम था वेदवती और धर्मध्वज की कन्या का नाम था वृंदा। धर्मशास्त्र ज्ञान में दोनों बड़ी निपुण थीं वेदवती और वृंदा जी। वेदवती ने तप के द्वारा नारायण भगवान की प्राप्ति कर ली है, जो जनक नंदिनी छाया सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात हुई हैं। वो छाया सीता यही वेदवती थी। श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए उत्कट इच्छा हुई तो तुलसी को भी
उस समय दुर्वासा जी के श्राप से हरि के स्थान पर कृष्ण अंश शंखचूड़ को प्राप्त किया है, लेकिन तत्पश्चात परम मनोहर श्री नारायण भगवान भी उसे प्राणवल्लभ के रूप में प्राप्त हुए हैं। भगवान श्री हरि के श्राप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के श्राप से ही हरि शालिग्राम रूप हुए हैं। और उस तुलसी का तपस्या का यह एक स्थान है, तुलसी देवी ने यहाँ वृंदावन में तपस्या की है, इसलिए मनीषी गण जो हैं इसको वृंदावन कहते हैं, क्योंकि तुलसी और वृंदा समानार्थक शब्द हैं, तुलसी का ही पर्यायी है वृंदा, इसलिए इसको वृंदावन कहते हैं। तीसरा जो कारण है वृंदावन नाम क्यों पड़ा, उसका उल्लेख ब्रज भक्ति विलास ग्रंथ में प्राप्त होता है। यहाँ वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी हैं और अधिष्ठाता जो हैं, यानी अधिष्ठाता का मतलब जो यहाँ के इष्ट हैं, वो हैं गोविंद देव, इसलिए इस वन का नाम वृंदावन पड़ा। वृंदा देवी समाताय गोविंदाय नमो नमः लोक कलमश नाशाय परमानंद स्वरूपिणे। इसके अतिरिक्त वृंद कहते हैं समूह को। पूज्य जीव गोस्वामी जी ने लिखा है कि वृंदाम अतीव अवतीति, जो समूहों का पोषण करता है। समूहों का पोषण करने का मतलब यहाँ गायों का भी समूह रहता है, उसका भी पोषण होता है, गोपों का भी समूह रहता है, उसका भी यहाँ पोषण होता है, लता वृक्ष वल्लरियों का भी समूह यहाँ वृंदावन में निवास करता है, इसलिए भी इसका नाम वृंदावन है। इसलिए ये बात भागवत जी में स्पष्ट लिखी है, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृण वीरुधम, कि यहाँ पशव्यम नव काननम, ये पशुओं के लिए, गायों के लिए, गोपियों के लिए बड़ी हितकारी भूमि है। अब वृंदावन वृंदा कानन नाम होने का सुस्पष्ट श्रेष्ठ कारण शायद इस कारण के आगे और जिज्ञासा ना हो कि क्यों वृंदावन नाम हुआ, ये कई कारण हैं वृंदावन के। और चौथा कारण है वृंदावन नाम इसलिए हुआ, राधा षोडश नामना च वृंदा नाम श्रुतौ श्रुतम तस्याः क्रीड़ा वनम रम्यम तेन वृंदावनम स्मृतम। श्री राधा रानी के सहस्त्र नाम में श्रेष्ठ षोडश नाम है, 16 नाम श्री राधा रानी के मुख्य नाम हैं। षोडश नाम कौन कौन से हैं श्री राधा रानी के, राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, प्रिया, कृष्ण रूपिणी, कृष्ण वामांगन सभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्ण वृंदावनी वृंदा वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता, शरत चंद्रा, प्रभानना, ये अनेक श्री राधारानी के षोडश नाम हैं जो अनेक नामों में प्रसिद्ध हैं। तो राधारानी के सहस्त्र नाम में श्रेष्ठ षोडश 16 नाम है और उन षोडश नामों में उनका एक पवित्र नाम है वृंदा, जो कि श्रुति में भी सुना गया है। उन वृंदा नाम धारिणी श्री राधारानी का यह क्रीड़ा स्थल है वृंदावन, इसलिए इसका नाम वृंदावन है। राधा वृंदावने वने, और ये वृंदावन की जो भूमि है, क्यों इसका नाम वृंदावन, अनेक पुराणों में, मत्स्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है, राधा ही वृंदावन है, वृंदावन ही राधा है, वृंदावन और श्री राधा रानी के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इसलिए तो स्वयं श्री ठाकुर जी ने कहा कि हे देवी, जो मेरे में और तुम में भेद करेगा उसको नरक की प्राप्ति होगी, यानी कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, राधा ही वृंदावन है, वृंदावन ही राधा है, कृष्ण ही वृंदावन है और वृंदावन ही कृष्ण है, तीनों में कोई भेद नहीं है, परस्पर अभिन्न है। जब वृंदा और वृंदावन अभिन्न है तो भक्त वृंद के लिए इसकी महिमा के विषय में और कुछ जानना आवश्यक नहीं है। और लिखा है वृंदावनम परित्यज्य, इसलिए तो रसिक महापुरुषों की यह धन वृंदावन बना है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन के लिए कहा है वृंदावन को छोड़कर मेरा चरण भी नहीं जाएगा, ये रसिकों ने कहा है। और श्री व्यास जी महाराज ने तो वृंदावन को अपना धन स्वरूप ही बताया है। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन सा
जागित जिए कनक कूट को टिक जागित जिए। रसिकों ने कहा है इसके वृंदावन के आगे हमें यदि करोड़ों करोड़ों सुमेरु पर्वत स्वर्ण के समान सुमेरु पर्वत भी हमें छोड़ने पड़े तो हम छोड़ देंगे, वो भी हमारे सामने वृंदावन के आगे हमारा वो धन नहीं है, हमारा वृंदावन ही धन है। भजिए कुमार कन्हैया भैया, भजिए कुमार कन्हैया जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमलालित बलिया भैया, कमलालित बलिया मोहन वेणु बजिया भैया, मोहन वेणु बजिया वृंदावन हाँ वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन यहाँ की श्री राधानी की चरण चरण नहीं चरण रज की कमला भी बलिहार जाती हैं, बलिहार है ये रज, धन्य है जिस रज के ऊपर श्री राधानी के चरण पड़े हैं। और मोहन वेणु बजैया श्री ठाकुर जी वेणु बिहारी लाल वेणु बजाते हैं और श्री राधारानी नृत्य करती हैं, धन्य है ये वृंदावन धाम। ऐसे वृंदावन धाम की भूमि में बैठे हुए हैं, क्या श्री ठाकुर जी की कृपा नहीं है? बिना कृपा के इस रज का स्पर्श तो क्या यहाँ आना भी नहीं हो सकता, विशेष कृपा है। और कामधेनु को क्षीर सिंधु तजी, 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 भजहु नंद की गैया, चारों मुक्ति कहाँ लोक कहिए, चारों मुक्ति जहाँ यशोदा मैया भैया, जहाँ यशोदा मैया वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, साचो शुकदेव कहिया भैया,
जो सुखदेव कैया वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन साचो धन भैया साचो धन भैया साचो धन भैया साचो धन भैया। आरत व्यास पुकारत वन में थोरे लोग सुनैया, लेकिन भैया इसकी महिमा सुनने को भी श्री ठाकुर जी की कृपा चाहिए। इस भूमि में आना ही नहीं, यहाँ की महिमा सुनने के लिए भी श्री ठाकुर जी की कृपा चाहिए, श्री राधा रानी की कृपा चाहिए। थोरे लोग सुनैया, तो ऐसा श्री वृंदावन धाम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ऐसी वृंदावन धाम की महिमा है। और इस दिव्य वृंदावन की आज आप लोगों ने यह परिक्रमा आज की, और परिक्रमा के क्रम में श्री मदन मोहन जी के मंदिर का, लाल पत्थर का जो मंदिर है उसका दर्शन किया, पुराने कालिया दह का दर्शन किया। आज चूंकि गिरिराज पूजा भी है तो समय को देखते हुए संक्षेप में दोनों लीला स्थलों की कथा सुनेंगे और उसके बाद पूजन भी होगा। कालीय मर्दन लीला जो है, श्री ठाकुर जी ने यमुना तट पर खेलते हुए और गेंद निकालने के ब्याज से कालिया का उद्धार किया है। श्री ठाकुर जी गैया चराते हुए वन में गए हैं, वृंदावन में यमुना जी के किनारे आए हैं, और गोप बालकों के साथ दाऊ भैया आज साथ में नहीं हैं। जिस दिन कन्हैया के दाऊ भैया साथ में नहीं होते उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे आज सब बंधनों से मुक्त हो गए, आज तो हम ही राजा हैं या टोल के। तो आज सोची दाऊ भैया ने कि ठाकुर जी ने सोची आज दाऊ भैया नहीं हैं तो आज जो हमारा लक्ष्य है कालिया मर्दन वो आज पूर्ण कर लेना चाहिए, नहीं तो दाऊ भैया होंगे तो हो नहीं पाएगा। तो अपनी ग्वाल मंडली के साथ लीला प्रारंभ भई, लीला प्रारंभ हुई। और यहाँ ग्वाल वालों को जब यमुना जी के कालिंदी के तट पर आए हैं तो प्यास लगी। कालिंदी के पुलिन पर एक कदंब तरु है, कदंब का वृक्ष है। गृहीत्वा अमृत पात्रम ही मार्गे गृच्छन् गुरुत्मता कदंबे कलशम न्यस्य यमुना तीरम गो विराट। और वो कदंब की छाया जो है वो यमुना जी के किनारे केवल एकमात्र उस कदंब की छाया ही है। अब वहाँ और कोई छाया दिखाई नहीं पड़ती। जितने भी सखा थे घोष मधु मंगल श्रीदान सब ने कही भैया प्यास लगी है चलो यमुना जल में पानी पीवे चलें। तो जैसे ही यमुना जल को पानी पियो है सबके सब ग्वाल बाल और गैया निष्प्राण है गए। श्री ठाकुर जी ने करी अरे ये क्या, ग्वाल बाल और बछड़ा गाय सब निष्प्राण हो गए, निर्जीव हो गए। समझ गए श्री ठाकुर जी तो कालिंदी में रहने वाले कालिया की विष की करतूत है। ठीक है इस विषाक्त जल को ही मैं निर्विशेष करके रहूँगा, स्वच्छ करके आज रहूँगा। और एक ओर श्री ठाकुर जी ने अपने अमृतमयी दृष्टि घुमाई है और उस दृष्टि के घूमने मात्र से ही सब ग्वालवाल और सब बछड़े गाय सब जीवित हो गए। और सब जीवित हुए हैं और सब सोच रहे हैं भैया कन्हैया वाह आज तो तेरे कारण हम जीवित है गए। लेकिन अब ठाकुर जी सोच रहे हैं अब यमुना जल को मैं शुद्ध कैसे करूं, अब याके काजे तो कोई बहाना चाहिए, बिना बहाने के करूंगा तो ठीक नहीं है, तो अब कैसे कियो जाए याको। अब हाथ मिलते ही अब कोई आवश्यक ब्याज चाहिए तो ठाकुर जी को युक्ति आई, बोले मिल गयो ब्याज। वो बहानो कहा हो श्री सूरदास जी ने उस ब्याज को उद्धृत किया है अपने पद में। श्याम सखा को गेंद चलाई श्री दामा मुरी अंग बचायो गेंद पर्यो काली दह जाई। कंदुक क्रीड़ा गेंद क्रीड़ा प्रारंभ हुई यमुना जी के तट पर, लेकिन भैया सावधान रहेंगे गेंद क्रीड़ा बहुत देर तक नहीं चलेगी, ये ठाकुर जी केवल लीला के लिए कर रहे हैं, दूसरा लक्ष्य पूर्ण करना है। और एक और गेंद फेंकी जा रही ही कि वहाँ श्रीदाम भैया ने कही भैया पकड़ो, लेकिन पकड़ में नहीं आई श्रीदाम भैया के। और अपने में अपने को जब श्रीदाम भैया ने बचावे लगे कि कहीं मैं यमुना जी में ना गिर जाऊँ, उतने में ही गेंद कालिया देह में पहुंच गई। बस फिर तो कहा हो कृष्ण की अब तो वहाँ जो लीला करनी ही वो पूर्ण करने को अवसर आ गए हो। श्री ठाकुर जी ने फेंट कस ली अब तो समय आ गयो है।
लेकिन अब यहाँ ये गेंद जो ही वो जो मधुमंगल की ही वाकी गेंद ही अब वहाँ ने फेंट पकड़ ली, भैया कन्हैया तेने तो खेलवे को हमारी गेंद ली, अब ये तेने यमुना जी में गिरा दी, अब हमारी गेंद दे, मेरी गेंद दे ना देखो। कृष्ण हंसते वो बोले, अरे भैया कहाँ मेरी फेंट में थोड़ी गेंद बंद रही, अब तुम वो यमुना जी में कूदना पड़ेगा जब मैं गेंद ला पाऊँगा। बोले भैया अब कैसे उला तू, अब ला के दिखा। अब सोच रहे हैं गेंद भी देनी है और कालिंदी को कालुष्य रहित भी करना है। बस चढ़ गए श्री ठाकुर जी कदम पर। अब यहाँ मधुमंगल ने सोची कि मैं तो हास परिहास कर रहे हो, लेकिन श्री ठाकुर जी तो कदम पर चढ़ गए और कदम की ऊंची शिखर पर वहाँ चढ़ गए हैं। श्री रामा ते कही, भैया मैं गेंद ला रहे हूँ। अब सब सखान ने देखी, भैया अभी तो कहीं कालिया दे में कूद ही ना पड़े। सब सखा चिल्लाए, अरे भैया कन्हैया लौटिया लौटिया, हमें ना चाहिए ऐसी गेंद, तू आ जा वापस आ जा, हमें ना चाहिए। तो वहाँ श्रीराम चिल्लाए हैं, लेकिन वहाँ तो गेंद का मात्र ब्याज था, ठाकुर जी को लीला करनी है। और कहते कहते श्याम सुंदर कालिया दह में कूद गए। अब तो सब सखा जो है वो तो निष्प्राण से है गए, कन्हैया काली दह में कूद गए। और वहाँ हृदय को जो वो जा हृदय में श्री ठाकुर जी कूदे है, वह हृदय को चार चार सौ हाथ दूर पानी फैल गयो चारों तरफ, इतनी वेग से श्री ठाकुर जी वह हृदय में कूदे हैं। मानो ऐसा लग रहा है महापुरुष ने भाव दियो है कि जैसे कृष्ण आलिंगन करने के लिए यमुना जी ऊपर उछली हैं कि जल्दी श्री ठाकुर जी आओ और मैं आपको आलिंगन करूं, यह भाव बहुत सुंदर महापुरुष ने दियो है। और वहाँ कालिंदी के ऊपर जब कूदे हैं, हृदय में पहुँच गए, और वहाँ नींद में सोया हुआ है कालिया नाग, अपने पैर की ठोकर से श्री ठाकुर जी ने जगायो, बड़ी जोर से फूतकार करी है, और ऐसी जोर से फूतकार करी मानो जैसे कालियानाग संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगो। 100 फण हैं बार बार कन्हैया के मर्म स्थानन पे दंशन कर रहे है, कभी जकड़ ले श्री ठाकुर जी को, कभी तरह तरह के पैंतरा बदल रहे है, ग्वाल बाल निष्प्राण जैसे है गए। परंतु भैया कहाँ होगो कहाँ नहीं होगो, यह भीषण दृश्य देख के अब तो कछु ग्वालवाल नंद भवन की ओर भागे हैं। और नंद भवन की ओर जब भागे हैं, मैया मैया कालिंदी कालिंदी बस ऐसे ही मुंह से निकल रहे हो, वहाँ इतने घबरा गए सबके सब ग्वालवाल की कछु और निकल ही नहीं रहे हो। मैया ने कही, कहाँ भयो, इधर ग्वालवाल दौड़ते भय आ रहे हैं और इधर नंद भवन में। यशुमती चली रसोई भीतर, तब ही ग्वाल एक छींकी, ठिठक रही द्वारे पर ठाड़ी, बात नहीं कछु नीकी। श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, इधर तो श्याम सुंदर कालिया दह में कूदे हैं और इधर एक यशोदा मैया के यहाँ एक सेविका है तुंगी ताई, वो जैसे ही रसोई में प्रवेश करवे लगी तो वह तुरंत छींक आ गई। छींक आ गई तो मैया समझ गई तो सही नहीं है, कछु अपशकुन जैसो दिखे। और छींके ते दधी दही को भांड गिर गयो, कुत्तानी की रोने की आवाज़ रहने लगी, दाहिने अंग फड़कने लगे। अब ब्रजवासीगण जो हैं वो नंद भवन की ओर दौड़े हैं, सबके मुंह पे एक ही प्रश्न है, भैया कन्हैया कैसो है हमारो, क्योंकि सब ब्रजवासीन को केवल एकमात्र कन्हैया को ही चिंता है। तो इतने में ही इधर ग्वालवाल जब दौड़ते भय आए हैं, अरे और मैया, अरे ओ मैया, मैया मैया जने जब सुनी है तो वहाँ मैया की तो धड़कन तीव्र रह गई, बोले कहाँ है गयो कहाँ है गयो। और इधर अश्रुपात मैया को बंद ही नहीं है रहे है, और वहाँ मैया ने जैसी सुनी है कि कन्हैया काली देह में गयो है, अब मैया तो वहाँ से ऐसी भागी है कि वह को यह नहीं सूझ रहे है कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। और वहाँ श्याम सुंदर जो हैं बड़े विचित्र नृत्य कालिया नाग के फणों पर वहाँ किया है, और ऐसा नृत्य किया है कि उस नृत्य को जब ब्रह्मा जी आदि देवों ने देखा है तो वो देव भी उस नृत्य को देखकर चकित रह गए हैं। चारों ओर से वाद्यों की गड़गड़ाहट होने लगी है, और मैया जब गई हैं, मैया बाबा सब वहाँ दौड़ दौड़ के गए हैं, और मैया ने देखो कालिया नाग के साथ भीषण युद्ध है रहे है, और मैया को यह देखती तो मैया के जैसे प्राण ही सूख गए हों। और मैया ने देखो है, मैया काली देह में कूदने को चली, इतने में सब सखान ने रोक लियो है, बाबा ने रोक लियो है, और इतने में श्री ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर विजय प्राप्त करके वाके 100 फणन पर नृत्य करते हुए ऊपर आए हैं, और चारों ओर कन्हैया लाल की जय घोष होने लगी है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, बड़ी जोर जोर से सब ब्रजवासी गण गाने लगे हैं।
काली दहते निकस के आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया। और वहाँ कालिया नाग के फणों पर जब नृत्य करते आए हैं, कालिया नाग को फिर वहाँ से समुद्र की ओर भेजा है, रमण द्वीप भेजा है, और यमुना जल को शुद्ध श्री ठाकुर जी ने किया है। आज जिस कालिया प्राचीन कालिया दह का दर्शन किया वो लीला यही हुई है। और जो लाल पत्थर के मंदिर का दर्शन आप लोगों ने किया श्री मदन मोहन जी का, मदन मोहन जी जो हैं ये सनातन गोस्वामी जी के ठाकुर हैं। इनका बड़ा विस्तृत इतिहास है, कहाँ से शुरू करें कहाँ विश्राम करें समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत संक्षेप में कहेंगे। षोड़श गोस्वामी ग्रंथ के आधार पर आपका अवतरण श्री सनातन गोस्वामी जी का अवतरण जो है वो विक्रम संवत 1522 में हुआ। अभी जीवन के कुछ ही क्षण निकले थे कि युवावस्था में ही श्री सनातन गोस्वामी जी को वैराग्य हो गया। श्री भक्तमाल जी में वर्णन आता है, संसार स्वाद सुख वांत जो दुह रूप सनातन त्याग दियो। संसार को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई वमन करता है, उल्टी करता है, उसको करने के बाद फिर कोई मुड़ के नहीं देखता है। इस प्रकार सनातन गोस्वामी जी ने त्यागा है। और ये एक बड़े ही राज ऐश्वर्य से संपन्न थे। श्री गौरांग महाप्रभु की प्रेरणा से आपने वृंदावन में वास किया है और बंगाल प्रांत में गौड़ देश के शासक हुसैन शाह के यहाँ आप उनके दबीर यानी प्रधानमंत्री पद पर थे, लेकिन जब इन्होंने त्यागा तो त्याग ही दिया। और आपसे पूर्व आपके अनुज श्री रूप गोस्वामी जी ने पहले ही परित्याग कर दिया था, प्रधानमंत्री पद को त्यागा। इसके परिणाम स्वरूप हुसैन शाह ने आपको कारागार में भी बंद किया, किंतु कृष्णावेश कहीं कारागार रोक सकता है? कृष्णावेश में इन्होंने संपूर्ण जीवन भर अर्जित धन 7000 स्वर्ण मुद्राएं जो कमाई थी वो सब की सब वो जेल के कारीगर के अधीक्षक को दी और उस लोभ में उसने गंगा जी पार करा दी श्री सनातन गोस्वामी जी को। और इसके बाद काशी में आप जब पहुंचे हैं तो चंद्रशेखर वैद्य के यहाँ श्री महाप्रभु जी से भेंट हुई है और उन्हीं के कृपा प्रसाद से आप वृंदावन में आए और श्री ठाकुर जी ने इनके चित्त को चुराया है। एक दिन आपके साथ महावन में एक बड़ी रहस्यमयी घटना श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ हुई है कि श्री ठाकुर जी ने अपना बड़ा सुंदर इनको स्वरूप दिखाया और जैसे ही दिखाया तो उस स्वरूप की ओर जब भागे हैं आप श्री ठाकुर जी के स्वरूप को देखकर तो वह स्वरूप वहाँ से अंतर्हित हो गया, अंतर्धान हो गया। अब तो इनका रोना प्रारंभ हुआ, नेत्रों से अविरल अश्रु प्राप्त होने लगे। श्री सनातन गोस्वामी जी के नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह होते होते हा कृष्ण हा गोपाल ऐसे कहते कहते इनकी आँख लग गई, मूर्छित होकर गिर पड़े। पुनः चीत्कार की हा प्राण वल्लभ, जैसे ही ये भूमि पर गिरे हैं अश्रुपात करते करते निद्रा लग गई है, तभी एक छोटा सा बालक आया, नन्ना सा बालक, और उसने इनके सिर पर हाथ फेराते हुए बोला, अरे बाबा रोवे क्यों हैं, रो मत। और जैसे कोमल करों का स्पर्श हुआ है वहाँ सनातन गोस्वामी जी ने सुना कि वो बालक कह रहा है कि जा तू रो मत, मथुरा में जा, वहाँ मैं परशुराम चतुर्वेदी के घर में हूँ, वहाँ से मुझे ले आ। स्वयं श्री भगवान ने आज्ञा सुनी, निद्रा भंग हुई, चारों तरफ देखा कौन है यहाँ, और वैसे ही प्रातःकाल होते ही मथुरा की ओर दौड़े हैं। मथुरा के गली गली में जाकर पूछ रहे हैं, भैया परशुराम चतुर्वेदी का कौन सा घर है, कौन सा घर है, उसका परिचय दो। तो किसी एक पुरवासी ने कह दिया, भैया परशुराम चौबे तो अब नहीं रहे, उनकी गृहिणी है, अभी विधवा गृहिणी है, उनके घर चले जाओ। तो वहाँ उनका जब घर दिखाया है तो दौड़ते हुए लड़खड़ाते हुए वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ उस स्त्री के घर में, उस वृद्धा के घर में सामने मदन मोहन खड़े हैं, मानो बड़े ध्यान से वृद्धा की बातें सुन रहे हैं। और वो परशुराम चौबे की जो पत्नी थी वो श्री ठाकुर जी से कह रही थी कि अरे मैं वृद्ध हो रही हूँ, मदन मोहन से कह रही है, मैं जरावस्था से ग्रसित हो गई हूँ, किसी दिन मैं मर जाऊँगी। अरे तो को फिर लोरी गागा के कौन सुनावेगो, अपने सेवा की व्यवस्था कछु कर ले। इस प्रकार बड़ी जोर जोर से रो रही थी, अब तो को अपने मेरे हाथन से कौन खिलावेगो, इस समस्या का समाधान करने में आप ही समर्थ हैं। तो उसी समय
सनातन गोस्वामी जी द्वार के बाहर खड़े होकर देख रहे थे कि कहीं इसीलिए तो श्री ठाकुर जी ने मुझे नहीं भेजा। और वहाँ मैया से आकर कहा रही, मैया तू चिंता मत कर, या की व्यवस्था करवे को ठाकुर जी ने मोए भेज दियो है, तू अब या की चिंता मत कर, मैं संभाल लूँगो, ला तू मोए दे। तो वो वृद्धा बोली, अरे बाबा जी अभी अभी तू ब्रज में आयो है, तू क्यों अपनो सर्वनाश करना चाहे, अरे ये मेरे घर में जब ते आयो है याने मेरो सर्वनाश कर दियो है, पहले मेरे घर बड़ो धन धान्य हो, बड़ो कुटुंब हो, अब तो मैं अकेली रह गई, या ते तो मोकू यही उपलब्धि भई है कि या बड़े घर में मेरे और या के सिवा कोई नहीं है, तू क्यों अपने या के प्रेम में अपनो सर्वस्व लुटाना चाहे, चलो जा। वहाँ सनातन जी बोले, मैया या के नेत्रन की दृष्टि में मैं फंस चुका हूँ, अब मेरे पास भी लंगोटी और या शरीर के अतिरिक्त अब कछु नहीं है, मेरा काम तो पहले ही है चुको है, तो या लिए मैं यहाँ आया हूँ। मदन मोहन प्रभु को लेकर वृद्धा के पास मदन मोहन की सेवा की परीक्षा भी वहाँ दी है कि उस वृद्धा ने परीक्षा ली कि भई ऐसा तो नहीं कि कहीं चलते फिरते आ गए, वो सेवा भी कर पाएंगे कि नहीं। सेवा में जब पास हुए तो मदन मोहन प्रभु को लेकर वृंदावन में आ गए हैं, और आपकी रहनी साक्षात वैराग्य वैराग्य का स्वरूप था, सतत भजन में रहते थे, बड़े एकदम नाम निष्ठ महापुरुष थे। मधुकरी में जो भी आटा मिल जाता था उसकी कुछ अंगा बाटी बना के और मदन मोहन जी को भोग लगा देते थे। साधु थे, प्रधानमंत्री के पद पर रहे, कभी कुछ बनाना आता जाता तो था नहीं, तो वहाँ स्वयं अपने हाथ से जैसा भी बन जाता था अंगा बाटी बना के भोग में रख देते थे। एक दिन मदन मोहन जी ने कहा, सनातन जी आप क्या इसीलिए हमको लेकर आए, अरे सूखे अंगा बाटी बना के रख देते हो, थोड़ा सा नमक भी मिला दिया करो जिससे गले से नीचे तो उतर जाए। तो वहाँ दूसरे दिन आटे के साथ नमक भी मांग लाए। अब नमक युक्त बाटियों का जब भोग रखा तो पुनः मदन मोहन जी बोले, बाबा थोड़ा सा घृत पड़ जाए तो आराम से ये बाटी गरे थे खिसक जाएंगी, थोड़ा सा घी भी ले आयो करो। तो वहाँ सनातन गोस्वामी जी को थोड़ा सा मधुर भाव में क्रोध आ गयो, बोले आपके लिए मैं चून मांगूँ और नमक मांगूँ घृत मांगूँ यही में मेरा भजन पूरा है लेगो, अरे आपको अपनी व्यवस्था करनी है तो अपने आप कर लो, मेरे से ये सब काम नहीं होगा, मेरे भजन में व्यवधान हो गए। लेकिन अब श्री ठाकुर जी ये सब लीलाएं जो हैं ये अपने भक्त के महिमा को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ वस्तुतः आपका लक्ष्य सनातन जी की कीर्ति की पताका प्रकाशित करना ही था। अब श्री ठाकुर जी ने अपनी व्यवस्था के लिए एक योजना सोच ली। ये उस समय की बात है जिस समय यमुना जी में अगाध जल होता था, और इतना जल होता था कि जहाज़ों से सामान का आयात निर्यात हुआ करता था, जहाज़ों से व्यापार हुआ करता था, समुद्रवत श्री यमुना जी का स्वरूप। तो वहाँ ऐसी सुगंधित यमुना में एक दिन दैव इच्छा से, श्री ठाकुर जी की इच्छा से, मुल्तान के निवासी रामदास कपूर नामक एक व्यक्ति था जो बड़ा व्यापारी था और अपने माल से लदालद जहाज ले जा रहा था, और वहीं पास में ही सनातन जी की भजल स्थली द्वादश टीला था, काली दे के निकट ही स्थल, और वहाँ यमुना जी में बड़ी जोर से चक्रवात आया, और चक्रवात आया तो उसने देखा अब तो यमुना जी के एकदम बीचों बीच धार में ना दाएं हैं कोई ना बाएं हैं, अब किससे मैं किसको मैं पुकारूं, बड़ी जोर जोर से पुकारने लगा। अचानक वहाँ उस रामदास को कुछ बालक खेलते हुए यमुना जी के तट पर दिखाई पड़े, अब तो बचाओ बचाओ बड़ी जोर से जब कहने लगा तो उसमें से एक पीताम्बरधारी सुंदर बालक बोले, वो कौन थे कोई और नहीं थे, बोले अरे व्यापारी सनातन बाबा की दुहाई दे और सनातन बाबा की जय घोष कर, तेरो जहाज रक्षित है जाएगो, अब तो बचाओ बचाओ सनातन बाबा की जय हो, सनातन बाबा की दुहाई हो, बड़ी जोर जोर से सनातन बाबा की जय घोष होने लगी। और थोड़ी देर में जो इतनी जोर से चक्रवात आया हुआ था वो चक्रवात वगैरह हवा सब शांत हो गई और डगमगाता हुआ जहाज एकदम स्थिर हो गया, और इस चमत्कार को देख कर व्यापारी जैसी जहाज किनारे लगा जहाज से कूदा है और बालकों से पूछा, भैया ये कौन सनातन बाबा हैं जिनका नाम लेते ही मेरा जहाज किनारे लग गया, मैं बिल्कुल सकुशल आ गया,
वो कहाँ रहते हैं? तो वहाँ ठाकुर जी ने कही कि देखो यहीं यार टीले पे सनातन बाबा रहें, तुम वहाँ पहुँच जाओ, इस टीले के ऊपर भजन कर रहे हैं। अब तो सुनते ही वो बड़ी ज़ोर से भागा है और वहाँ भागते ही सनातन गोस्वामी जी के चरणों में गिर गया। अरे बाबा, आपकी कृपा से आज मेरी प्राण रक्षा हुई, आज मेरी जहाज सहित मेरी रक्षा है गई, आप मेरे योग्य कोई सेवा बताओ। सनातन जी को तो कुछ पता भी नहीं, अब वो समझ ही नहीं पाया भैया कौन है कहाँ है, मेरी कृपा से कौन सी रक्षा, भाई मैंने कौन की रक्षा करी है, तो ये हो क्या रहा है। तो वहाँ सनातन गोस्वामी जी सोच रहे हैं यार निर्जन वन में दूर दूर तक कोई नहीं रहता, मेरा इसको किसने पता बता दिया। तो वहाँ व्यापारी ने सारा वृत्तांत बताया कि भैया वहाँ ऐसे ऐसे बालक खेल रहे थे, तो इसलिए मैं उनके कहने से आया हूँ। बोले कहाँ खेल रहे थे? सनातन गोस्वामी जी भी देखने गए, लेकिन वहाँ तो ना कोई बालक था, ना कोई खेल रहा था, ना कुछ था। यह देखते ही सनातन गोस्वामी जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। बोले अरे भैया, वो बालक के रूप में आज साक्षात तुझे श्री कृष्ण दर्शन हो गए, वेणु बिहारी लाल के दर्शन हो गए आज तुझे, तेरा भाग्य धन्य है। जिनकी कृपा से तू सुरक्षित हुआ वो मैं नहीं, वो श्री ठाकुर जी थे। तो वहाँ जान गए श्री ठाकुर जी ने अपने भोगराग की व्यवस्था स्वयं ही करवा ली है। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, तू जिनकी कृपा से सुरक्षित हुआ है उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करा और उसके भोगराग की व्यवस्था कर। तब से सन 1592 से आसपास व्यापारी द्वारा इस लाल पत्थर का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था। और ऐसा किंवदंती है कि औरंगजेब के द्वारा यह मंदिर यवन काल में नष्ट हुआ, ध्वस्त हुआ, तब पुनः महाराज गुणानंद ने पुनः इसका निर्माण कराया है। और श्री मदन मोहन जी का प्राकट्य सुनकर उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम जाना ने एक बहुत श्रद्धा सहित दो विग्रह भेजे हैं जो पुरी से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, और वृंदावन भेजा है। तब स्वयं श्री मदन मोहन जी ने अपने निजी पुजारी को स्वप्नादेश किया है कि पुरी से जो दो विग्रह पधारे हैं उनमें उन्नत विग्रह जो है, जो बड़ा विग्रह है, वो ललिता जी हैं, तथा वामन विग्रह जो है वो मेरी प्राणा राधा श्री राधा रानी हैं। अतः राधा विग्रह को मेरे वाम भाग में स्थापित करो और ललिता जी को दक्षिण भाग में विराजमान करो। आज्ञानुसार आज भी मध्यस्थ मदन मोहन जी के वाम भाग में राधा रानी हैं और दाहिने भाग में ललिता जी विराजित हैं। प्राचीन मंदिर के निकट ही पश्चिम की ओर सनातन गोस्वामी जी की भजन स्थली है, पावन समाधि भी है, और वर्तमान में श्री सनातन गोस्वामी जी के सेव्य श्री मदन मोहन जी करौली में अपनी अलौकिक रूप माधुरी के द्वारा वहां भक्त समूह को आनंदित कर रहे हैं। वर्तमान में श्री मदन मोहन जी करौली में विराजमान हैं। बोले श्री मदन मोहन भगवान की। आज यह यात्रा के क्रम में आपने जिन जिन लीला स्थलियों का दर्शन किया उनका आप लोग ने आज महिमा का वर्णन सुना, वृंदावन की महिमा का वर्णन सुना, और कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर पूजा होगी आज गिरिराज जी की।
महारानी की जय, श्री श्री बाबा महाराज की जय, श्री राधा मान बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी ब्रज यात्रा की जय, समस्त ब्रज यात्रियों की जय, श्री ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे। Thank you.